हाय दोस्तों, मेरा नाम है विशाल कुमार। आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि आप लोग अगर बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो उसका आप लोग अगर ट्रांजैक्शन पासवर्ड भूल गए हैं बैंक ऑफ इंडिया का, तो बैंक ऑफ इंडिया का ट्रांजैक्शन पासवर्ड ऑनलाइन कैसे जनरेट किया जाता है या ऑनलाइन कैसे रिकवर किया जाता है बैंक ऑफ इंडिया का ट्रांजेक्शन पासवर्ड, इस वीडियो में हम बताएंगे। मेरा नाम है विशाल कुमार, आप देख रहे हैं बारमा टच। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो साथ वीडियो को लाइक कीजिए। बैंक ऑफ इंडिया का आप लोग अगर ट्रांजैक्शन पासवर्ड भूल गए हैं तो ऑनलाइन कैसे जनरेट किया जाता है या भूले हुए ट्रांजैक्शन पासवर्ड को कैसे रिकवर किया जाता है। हम बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया का हम इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो चुके हैं। अब लॉगिन होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद हम जो है ट्रांजेक्शन पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पर ऑप्शन हमको दिख रहा है होगा रीजनरेट ट्रांजेक्शन पासवर्ड, इसी पर हम लोगों को क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर, उसी पे हमारा बैंक की तरफ से ओटीपी गया है, उस ओटीपी को हमें यहाँ पर इंटर करना है। इंटर करने के बाद हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ओटीपी इंटर करने के बाद हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारा अकाउंट नंबर यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है ऑटोमेटिक। इसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपना डेबिट कार्ड का फर्स्ट 4 डिजिट यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद डेबिट कार्ड का आपको यहाँ पर जो लास्ट 4 डिजिट है ये भी टाइप करना है, और डेबिट कार्ड का जो एक्सपायरी तिथि है आपको यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद डेबिट कार्ड का जो पिन है आपको यहाँ पर टाइप करना है। चलिए हम यहाँ पर आपको फिलअप कर लेते हैं। आपका पिन यहाँ पर इंटर कीजिएगा, इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आ चुका है। यहाँ पर बोला गया है कि आप अपना यहाँ पर न्यू ट्रांजैक्शन पासवर्ड बना लीजिए। इसके बाद जो पासवर्ड बनाएंगे उसी पासवर्ड का आप लोग यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा, आपका सेट हो जाएगा। सेट करने के बाद इसको आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ स्थिति दिया गया है कि आपको न्यू पासवर्ड कैसे बनाना है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप जो न्यू पासवर्ड बनाएंगे वो 5 पासवर्ड से सेम नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आप पहले 5 पासवर्ड बनाए तो वो मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर भी बोला गया है कि चलिए हम न्यू पासवर्ड बनाते हैं। यहाँ पर मैसेज में देख रहे हैं कि ट्रांजेक्शन पासवर्ड हैज बिन सेट सक्सेसफुली, यू कैन मैच इमिडिएटली। बोल रहा है कि आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। आप इसी पासवर्ड को जब ट्रांजेक्शन कीजिएगा तो अब जो चेंज किए यही पासवर्ड आपको काम आएगा अभी से। इसके बाद ओके पर हमें क्लिक कर देना है। इस तरीके से घर बैठे आप अपने बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ट्रांजैक्शन पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं, भूले हुए पासवर्ड को रिकवर भी कर सकते हैं। थैंक यू।